कुछ इस तरह का ट्रेल है ऊपर तक का। ऊंचाई पर हम, पूरा शहर दिखाई देता है यहाँ से। ये कुछ हमारी हाइट है जहाँ पर हम खड़े हुए। सुपर गैस, 6:45 बज रहे हैं और अभी हम हॉस्टल से निकले हैं और बस अब हम जा रहे हैं सनसेट देखने के लिए, सॉरी सनराइज देखने के लिए। सनराइज देखने के लिए एक हिल है यहाँ पर पास में जहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है करनी माता का, तो हम वहाँ पर ही जाएंगे। अभी फिलहाल फैसल स्कूटर निकालना है। ये हॉस्टल की रौनक खुल गया है। 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है हमारे करनी माता मंदिर हिल्स की, तो हम आसपास ही हैं और सुबह का टाइम हो रहा है, सब सो रहे हैं, बट हमें तो सनराइज देखने जाना है क्योंकि वहां से ज्यादा बेटर दिखाई देता है सुना है। चल भाई, सही ठंड लग रही है हल्की हल्की। अभी तो ऊपर और लगेगी, जब हम थोड़ा पहाड़ पे चलेंगे, हिल पे चढ़ेंगे ऊपर, तो ठंड लगेगी वहां पर। ये जगदीश टेम्पल है, हाँ कार के बोलने। लोग आना स्टार्ट हो गए हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि सिर्फ हम ही हम आए हैं और इतने ऊपर जाना था। अब बस ऊपर का रास्ता कुछ नहीं, स्टेयर से है, हालत खराब होने वाली है। हालत अभी से खराब होना स्टार्ट हो गई है। अभी हमने कुछ 30-40 स्टेयर्स 50 स्टेयर्स चली होंगी और अभी कम से कम एटलीस्ट 100 स्टेयर से ज़्यादा भी बाकी हैं। नज़ारा कुछ ऐसा होता जा रहा है, ऊपर जाते जाते पूरा शहर यहाँ से दिखाई दे रहा है। इस पे जाने का रोपवे का भी एक रास्ता है, लेकिन रोपवे के लिए हमें 9 बजे तक का वेट करना पड़ता, लेकिन हमें सनराइज़ देखना था तो हमें सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा और स्टेयर से ही जाना होगा। कर लेंगे, ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। कुछ इस तरह का ट्रेल है ऊपर तक का और कुछ लोग तो हमसे आगे निकल चुके हैं, तो 3-4 बंदे हैं। काफ़ी ऊंचाई पर हैं हम, हालत ख़राब हो गई इस टाइम, बस थोड़ी सी दूर बचा है। सामने वाली जो लोकेशन है बस मंदिर वहीं पर ही है। जब आप स्टेयर पर चढ़ाई करते हो ना, ऐसा लगता है पीछे से कोई खींच रहा है आपको नीचे की तरफ, तो आपको अपना बॉडी वेट आगे रखना होता है और पानी की बोतल अपने पास और बस चलते रहो। यू उमेश चौधरी साहब हमें एक ऐसी लोकेशन लेके जा रहे हैं जहाँ कोई जानता भी नहीं है, सनराइज के लिए। देखते हैं, मतलब रेयर है, कोई मोस्टली लोग जाते नहीं उस जगह पे, तो हमें यू रमेश भाई मिले हैं। कुछ इस तरफ से रास्ता है, चल चल चल। चलो भाई, अच्छा ऊपर भी जाना अपने को, एक मिनट, एक छोटी सी ट्रेल है। बहुत ही छोटी सी पगडंडी है और पूरा शहर है सामने। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सुना है? हाँ हाँ, ग्रेट वॉल ऑफ, ग्रेट वॉल ऑफ उदयपुर। ओह सामने इतना खूबसूरत नजारा यार, जिस पॉइंट पर हम जा रहे हैं ना वो स्पेशली सनराइज के लिए बना है। ओ भाई, क्या खूबसूरत नज़ारा है यार यहाँ से। टाइम हो रहा है 6:30 और हम निकले थे 5:45 पर, लेकिन यार इस जगह पे आके ना सच में होटल बना के
रोशनी अब और भी बढ़ती हुई जा रही है। बस वो जो पहाड़ दिख रहा है ना, उस पहाड़ के पूछा पीछे पूरा रेड रेड हो गया। और वो जो ब्राइटनेस दिख रही है ना, वो सच में मैस्मराइजिंग है। देखो दूर दूर तक पहाड़ों के ऊपर, शहर के ऊपर एक व्हाइट व्हाइट से क्लाउड्स आ गए हैं हल्के हल्के। चारों तरफ शहर के पहाड़। हाँ रोशनी बढ़ गई अब, मतलब 7:20 या 7:15 के अराउंड है सनराइज, और अभी 7 o'clock 6:55 हुआ है। अच्छा देखो आप, जब आप इतने ऊपर ट्रैक करते हुए एग्जॉस्टेड आते हो एंड आसमान में इन खूबसूरत रंगों को देखते हो, तो आप सारी थकान भूलकर बस इसी पल में जीना चाहते हो। वैसे सनराइज तो आपके शहर में भी होता है, बट पहाड़ों के बीच से निकलते हुए सूरज को देखना एक अलग ही वाइब्स देता है। सूरज निकला नहीं है, बट आसमान में उसकी रोशनी अपने आने का एहसास करा रही है। आप इस पल को रोक लेना चाहते हो, बट लाइफ में कुछ भी रुकता नहीं है। जैसे ये सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से रोज होता है, वैसे वैसे एक एक पल आपकी लाइफ आगे बढ़ती है। कुछ लम्हे हमेशा आपकी मेमोरी में बस जाते हैं, ये लम्हा उन्हीं में से एक है। इफ यू आर इन उदयपुर, देन यू मस्ट विटनेस दिस सनराइज फ्रॉम दिस पॉइंट, यू विल लव इट। हो चुका है, ये दूध तलाई लेक है वाली छोटी वाली जो दिख रही है ना, और वो लेक पिचोला है बड़ी वाली, और जो सबसे लास्ट में दिख रही है वहां पर वो है फतेह सागर लेक। इसी रास्ते से मॉर्निंग में आए थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सुबह के टाइम तो, बट अब तो काफी रोशनी है। और ये देखो
कंडक्टर देखियो उन्हें दूर मंदिर मिलो इन वाहन वाहन माने के इधर आओ इधर आओ उन्हें फूल देख के सत्तर कमल फूल देखिए मातू मातू चलो आ तो कौन सुबह तो ये रास्ता दिख भी नहीं रहता भाई जिस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं सुबह तो काफी लोग आते हैं यार यहाँ पे जॉगिंग करने ये वाला था छोटा रास्ता जिससे हम आए थे सुबह अगर आगे जाओगे तो वो एक लिंग का फोर्ट है वो रास्ता बंद है जाना है आपको यहाँ से उस व्यू पॉइंट पे जाना है ये हम बता रहे हैं आपको। ये लोकल्स ही जाते हैं वैसे इस रास्ते से तो और आप वहाँ पहुँच जाओगे सनराइज पॉइंट पर अब आगे मंदिर आ जाएगा टेंपल द वे टू टेंपल रास्ता है हमारा नीचे जाने का अब हम नीचे जा रहे हैं उतरना तो काफ़ी इजी रहेगा यहाँ से कोई ऐसा हार्ड नहीं है बट हाँ चढ़ने में आपकी सांसें बढ़ने वाली हैं तो पानी की बोतल साथ रखें ये रोप वे के केबल जा रहे हैं और वो जो पॉइंट दिख रहा है ना वो रोप वे के लिए है अगर आपको रोप वे से जाना है तो आप उस पॉइंट पे जाओ वहाँ से 120 का टिकट ज़्यादा महंगा नहीं है और विद रिटर्न तो बस यही था यहाँ पे सनराइज व्यू पॉइंट का करनी माता मंदिर में अगर आपको मंदिर घूमना है तो मंदिर जा सकते हो अब हम तो बस हॉस्टल जा रहे हैं फिलहाल और थोड़ा देर आराम करके फिर जाएंगे जय श्री राम फिर जाएंगे सज्जनगढ़ और सज्जनगढ़ थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे घूमेंगे तो ये है कुछ ऐसा पार्किंग पॉइंट लोकल्स भी यहीं पर ही खड़ी करते हैं अपनी गाड़ी लोकल ज़्यादा थे मॉर्निंग में लोकल तो यह है कि मतलब जाते ही मोस्टली डेली जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए एक्सरसाइज ही क्या मतलब कि इतनी दूर आप ऊपर चढ़ जाओगे तो आपका फैट लॉस तो हो ही जाएगा कार्डियो तगड़ा हो जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शब्बा खैर तब तक के लिए